बातचीत भी की है, अच्छा ही होगा कोई ना कोई। चल इसलिए जब कौन सा पॉइंट आता है तो शुरू करेंगे कंपनी का, जो जितनी भी सभी करनी चाहिए वो उनसे नहीं मिल रहा है वाला भी पॉइंट है। मजीद उसमें करना चाहें तो आप क्या कहें, क्योंकि डिक्लेरेशन में हमने पेमेंट पे मांगा, पेमेंट को वो चेक करो वही बात भी डिक्लेयर भी हो सकता है। एक हलवा टेस्ट आप लोगों ने देखा, फड़का प्रभु के रख दिया। ब्रीफली डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शन इफ एनी विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड बाय अ कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड कंपनी का जिक्र भी कर दिया, क्यों किया? डिक्लेरेशन की रिस्ट्रिक्शन का लिस्टेड कंपनी से क्या ताल्लुक? सर वही दो बातें करनी थी ना, इमोबल प्रॉपर्टी वाली। हाँ हो गया, ये मैं तो बिल्कुल इमोबल प्रॉपर्टी वाली और अनरियलाइज्ड वाली। अभी ना लिस्टेड अलग से क्या, और नंबर भी छह हैं, एक आध नंबर भी जरा ज्यादा लग रहा है नॉर्मल से ज्यादा, तो डर के मारे थोड़ा सा लिस्टेड कंपनी की एक आध बात को कर देंगे। लिस्टेड कंपनी जो पेमेंट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा। हालांकि सवाल ने मांगा नहीं है, लेकिन नंबर थोड़ा सा डरा रहे हैं, और लिस्टेड का अलग से तस्करा कर दिया तो थोड़ा सा डर, तो जब भी डर लग रहा है और ये सोच रहे हैं कि पता नहीं है ये कह के वो भी चाह रहा है या नहीं चाह रहा, डाउट आ गया। ज्यादा लेक्चर में कोई खर्च नहीं, आपका एक मिनट लगेगा लेकिन आप सिक्योर जरूर होंगे। फाइनल डिविडेंड के पॉइंट, हाँ फाइनल डिविडेंड वाले पॉइंट मत देखे ना, लिस्टेड में अलग से खास बात कहाँ है, वो एक ही खास बात है पेमेंट वाली, उसके अलावा तो पूरे चैप्टर में लिस्टेड की अलग से उन्होंने कोई बात नहीं की है। एक बात ये जरूर की है कि लिस्टेड कंपनी के शेयर बांटते हैं, लेकिन वो हमारा जिक्र नहीं हो रहा, किसी और कंपनी के शेयर्स की बात हो रही है। तो जो कंपनी डिक्लेयर कर रही है उससे रिलेटेड वही दो मेन रिस्ट्रिक्शन, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से नहीं दे सकते और गेन ऑन सेल से नहीं दे सकते, उसकी एक्सेप्शन वगैरह, और एहतियात एंड पे आके ये वाली बात भी लगे हाथ लगे। दूसरा क्यों, पहले छोटे सवाल देखेंगे ना। तीसरा, Under provision of Companies Act 2017, briefly describe the requirement of private limited company for presenting its first financial statement in annual general meeting and whether the financial statements are required to be audited. सवाल ने इंतहाई नजाकत से सारी चीजों को private company के लिए fix कर दिया। इसका मतलब है आप अगर खामखा बीच में कहेंगे कि listed company में वो भी sign करे, listed में ऐसा भी करो, listed तो बहुत दूर की बात हो गई। Private company और फिर private की exceptions। 1 मिलियन से नीचे की क्या है, 10 मिलियन से नीचे वाली क्या है, तो ये बेसिकली प्रोसेस आपसे पूछ लिया, लेकिन लिस्टेड के पॉइंट्स हटा के पूछ लिया। तो उम्मीद है आप लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया होगा। टेस्ट में कितने लोग थे? ठीक है, चलो एक मुनासिब तादाद नजर आई, क्योंकि अगेन अल्टीमेटली सब कुछ आने के बावजूद भी अगर लिखा ना गया पेपर में तो गेम ओवर हो जाता। फिर दो सवाल है, एक पे टेबल बना हुआ है और एक में पैरा बना हुआ है। नॉर्मली जो टेबल वाला होता है ना सवाल, वो थोड़ा सा परेशान कर देता है कभी कभी, ये वाला नहीं कर रहा, लेकिन एक टिपिकल अजम्पशन होती है कि लोग टेबल वाले सवाल को जरा बाद में देखते हैं, चाहे आप तसली से देखेंगे। पेपर में भी अगर किसी सवाल में टेबल टेबल दिए हुए हैं तो हो सकता है वो कुछ डेटा देखे आपसे कुछ एनालिसिस करवा रहे हैं, तो दिस इज गुड कि आप ऐसे सवालों की तरफ एंड पे आए। जो पहला घंटा है ना पेपर का, वो तो प्योर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी वाले सवाल है वो ढूंढने का, वो 36 नंबर है, 40 नंबर है, जितने भी हैं उनमें से मैक्सिमम ले। तो ये पेपर जो पास करवाने वाले सवाल होते हैं वो ज्यादातर वही जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं वो होते हैं, प्रोवाइडेड क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, बोर्ड ने रिकमेंड किया फाइनल डिविडेंड और फिर कंपनी को कुछ ह्यूज लॉसेज हो गए, कंपनी रिकमेंड कर चुकी थी फाइनल डिविडेंड, मतलब बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया था लेकिन अभी मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया था एजीएम में। एजीएम हुई, कंपनी दो ऑप्शन सोच रही है, डिविडेंड को 25% रिड्यूस कर दिया जाए या डेफर द पेमेंट ऑफ 75% ऑफ डिविडेंड फॉर 6 मंथ्स, या एक काम करते हैं 6 महीने बाद दे देंगे जो डिविडेंड की पेमेंट है, अनाउंस कर देते हैं लेकिन पेमेंट अगर 6 महीने होल्ड कर लेते हैं। कंपनी लॉ के मुताबिक आपने बताना है दोनों ऑप्शन, रिड्यूस करने वाली ऑप्शन है कि डायरेक्टर की रिकमेंड की भी चीज को फर्दर रिड्यूस करना चाहें, ओके करना चाहें या सिरे से खत्म करना चाहें वो कर सकते हैं। डेफर
वंस डिक्लेयर्ड आपको पे करना होगा 15 वर्षों के अंदर। तो यहाँ भी डेफर करने वाली बात आप कहेंगे ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमें विद इन 13 वर्किंग डेज हमें पेमेंट करनी होती है और 6 महीने तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम है। तो पहली ऑप्शन वाइबल है और दूसरी ऑप्शन वाइबल नहीं। अच्छा इसमें 5 नंबर कितना कुछ जी, इसमें 5 नंबर है कितना कुछ लिख सकते हैं, 5 नंबर कितना कुछ लिख सकते हैं। काश ये मेरा बोर्ड मुझे लिखने की सही वाली प्रॉब्लम। चले मैं थोड़ा सा साइड पे, ये यहाँ पे दो ऑप्शन है ना, एक में रिड्यूस की बात हो रही है और एक में डेफर। ठीक है, आपने कहा ऑप्शन वन। अगर बहुत ज्यादा मूड हो रहा है नंबर पूरे करने का तो आप आगे उसकी कैप्शन दे देते, ऑप्शन वन रिड्यूसिंग द डिविडेंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, मेंबर्स डायरेक्टर के रिकमेंड किए हुए डिविडेंड को ओके कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। कर दिया। देयरफॉर मेंबर्स यहां पे डिविडेंड को रिड्यूस कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं को अंडरलाइन कर दिया। फिर हेडिंग दी ऑप्शन नंबर 2, डेफर द पेमेंट फॉर 6 मंथ्स। फिर कहा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड तो 15 वर्किंग डेज में पे करना होता है। yes, देयरफॉर मेंबर्स इसको 6 महीने नहीं डेफर कर सकते क्योंकि 15 वर्किंग डेज गुजर जाएंगे। ये भी मैंने फिर कम स्टेप्स किए हैं, ये इसमें भी तीसरा स्टेप भी हो सकता था। लॉ ने ये कहा है सिचुएशन नहीं हो रहा है एंड पे, देयरफॉर ऐसा हो सकता है, और यहाँ कहें लॉ ये कह रहा है सिचुएशन नहीं है देयरफॉर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर अगर आपके पास लिखने को है कुछ और बात याद नहीं आ रही और टाइम भी है तो मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, वो ये नहीं कहेंगे इसने ज्यादा लिखा है उसको -1 नंबर दे देते हैं, ज्यादा तो वो सोचेंगे यार बच्चे ने ज्यादा लिख दिया, 5 नंबर थे 5 नंबर तो पूरे हो गए इसके। तो ऐसे में कम और ज्यादा में डाउट हो तो ज्यादा लिखते हैं सवाल, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ टेस्ट देने वाली बात प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है। ये सवाल जो देखने में भाई ने कहा ये सर 5 नंबर के लिए क्या क्या लिखें और इसके अंदर ये तकरीबन एक सफा भरा जा सकता है। यस सर और भर जाता है अगर आप इसको तोड़ना सीख लें। वो जो 3 स्टेप वाली बात है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ना आप एग्जामिनर को बता देते हैं कि आपको आता है। कई दफा आपको आता है लेकिन आपकी 2-3 लाइनों में लिखी हुई बात से एग्जामिनर को नहीं पता लगता कि आपको आता है, तो उसको अच्छी तरह से बताना है। पहले बताना है कानून क्या कहता है, फिर बताना है सिचुएशन में क्या हो रहा है, फिर बताना है कि मेरा फाइनल राय क्या है। इससे मार्क्स मैक्सिमम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आपने कहा कि अंडरलाइन कर देती। मैंने अंडरलाइन क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा कि मैं दूसरे स्टेप पे क्लोज कर रहा था, मैं इसी पैरा में बता रहा था कि यहाँ कंपनी ऐसा कर सकती है। नॉर्मली क्या होता है हम कहते हैं कानून में ये लिखा है कि कंपनी ऐसा सोच रही है, आखिर में कह देते हैं कंपनी ऐसा कर सकती है नहीं, तो अलग से हाईलाइट हो जाता है। अगर मैं दूसरे ही पैरा में दोनों बातें इकट्ठी कर दूं कि सिचुएशन में ऐसा हो रहा है जो कि ओके अलाउड है, तो फिर दिस इज गुड कि जो अलाउड है जो मेरा आखिरी ओपिनियन है मैं उसको एक दफा अंडरलाइन कर दूं। जब अंडरलाइन करने का ये मतलब नहीं होता कि हम अपनी गलती को निकाल रहे हैं। नहीं ये आपने बिल्कुल हाईलाइट था मिस जज किया आपने, अंडरलाइन का मतलब है आप एक काम की चीज हाईलाइट कर रहे हैं, एग्जामिनर को बता रहे हैं कि ये काम की चीज बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी नहीं होती लेकिन पेपर में साबित कर देते हैं एग्जामिनर को पढ़ा रहा है। एग्जामिनर ने आप में से किसी की तैयारी नहीं देखी, उसको ये नहीं पता आप में से कौन पेपर से पिछले दिन बीमार हो गया, उसको ये नहीं पता कि इसको रटा अच्छा आता है किसको नहीं आता, उसने कागज पे देखना है कि आपने क्या। तो कभी कभी कागज पे अच्छा प्रेजेंट करने से भी आपके नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये सवाल जिन बच्चों को आता भी है शायद 3 से ऊपर हर कोई आराम से ना जा सके, लेकिन विद अ गुड प्रेजेंटेशन आप 5 के 5 नंबर ले सकते हैं। इवन इसमें से एक सवाल का एक पार्ट एक बच्चे को आता है और एक को दोनों आते हैं, हो सकता है दोनों बराबर नंबर ले लें, एक को अच्छी प्रेजेंटेशन आती हो वो प्रेजेंट करके कम अज कम पार्ट 1 के 2.5-3 नंबर ले, और एक बच्चा जिसको सारा आता था वो 1-2 पैराग्राफ नहीं सारी चीजें खिचड़ी में जाने की कोशिश करे हो और फारिग हो जाए। एक बात जहन में एग्जामिनर ये समझना जरूरी है साइकोलॉजिकल पैटर्न एग्जामिनर का। एग्जामिनर है सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको पेपर चेक करने के लिए पुराने जमाने में 500 मिला करते थे, अब के जमाने में 1000 के आसपास मिलते हैं। उसने 1000 रुपये में पेपर चेक करना है। ये वो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अगर मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हों और अगर ऑडिट कर रहे हों तो इनका पर आर 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 का चार्ज होता है। क्लाइंट को इतनी की चार्जिंग होती है कि हमारे पार्टनर ने इतने आर्स काम किए तो उसके 1 घंटे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20,000।
आप 20,000 छोड़ रहे, मैं कहता हूँ चलिए 10,000 उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर वो एक घंटा पेपर चेक ना करता तो 10,000 कमा सकता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं ना, तो उस एक घंटे में 10,000 रुपए पूरे करने के लिए कितने पेपर चेक करते होंगे, 6 घंटे में मिनट्स कितने होते हैं, 60 पेपर, तो 60 मिनट को आप, और 60 मिनट में अगर 10 पेपर चेक करने और एक पेपर के बाद दूसरे पेपर पे शिफ्ट ओवर का टाइम है उसमें भी 1-2 मिनट तो लग जाते होंगे, तो 10 पेपरों के 12-13 मिनट तो ये जाया हो गए, तो शायद 48 मिनट है आपके पास अगर आप मशीन है, 48 मिनट में आपने 10 पेपर चेक करने हैं, 4.8 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट में पूरा पेपर चेक होना है, न सिर्फ चेक होना है बल्कि उसकी मार्किंग भी होनी है, नंबर भी दिए जाने, तो आपको लगता है कि वो बहुत ही गहराई से आपके सवाल के पेचो खम में उलझ के समझने की कोशिश करेगा बच्चा क्या कहना चाह रहा है, जहाँ नहीं समझ आई ना, जहाँ थोड़ा सा उलझा क्रॉस मारेगा आगे चल पड़ेगा, किसी ने पूछना नहीं है पलट के उससे, आप कहेंगे नहीं नहीं सर वो लिखा हुआ होता है पेपर में, रीचेकर ने रीचेक किया, रीचेकर वाला टोटल चेक करता है, और जब मेन चेकर के पास इतना टाइम नहीं था तो रीचेकर के पास इतना टाइम है कि वो गहराई में उतर के देखेगा आपने क्या लिखा है, जिसको और कम पैसे मिल रहे होंगे, भाई आपने एक पेपर की जो फीस, 3 पेपरों की भी आपने फीस भरी है, कितनी भरी है, 10,000, तो पर पेपर कितने हुए, नहीं इसको एवरेज निकाले ना, 3,300 से ज्यादा देने के लिए नहीं उनके पास, तो रिव्यूअर को कितना दे देंगे, 200, वही कह रहा हूँ ना शायद 200, 500 भी बहुत आगे की बात है, तो 200 पर पेपर जो लेने वाला बंदा है वो, और है वो भी सीनियर है, क्या वो बहुत ही ध्यान से देखेगा, क्या बहुत ही ज्यादा आपकी अंग्रेजी, जबकि उसको पता है कि ऑलरेडी सीनियर बंदा चेक करके आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर के पास कम टाइम है, चेकर के पास, वो एक बाबा है, उसको उलझन होती है आज के दौर के अजीबो गरीब बच्चों से जिनको पता नहीं है कि सवाल को कैसे करना है, उसकी जिंदगी आसान करें आपकी जिंदगी आसान करेगा, ये बहुत कमाल टोट का है, उसको फूल बना के दें, उसको आपका सवाल के अंदर से ना जवाब उछल उछल के ऊपर आ रहा हो, एक वो बच्चा जिसके सवाल के अंदर उसे घुसना पड़ा, उसकी अंग्रेजी में उलझा थोड़ा सा, उसने क्रॉस मारा, उलझन भी हुई कि टाइम भी वेस्ट हुआ, मिला भी कुछ नहीं, और एक तरफ एक बच्चा जिसके सवाल में 3 हेडिंग्स डली हुई हो, पोर्शन बने हुए हो, और जो काम की बात है जो ओपिनियन मांगा गया वो अंडरलाइन होकर वो उछाल के दिया जाए, तो कितने मजे की बात आई कि उसने 2 जगह अंडरलाइन देखी, 1-2 हेडिंग देखी, ऐसे टिक मारा और लेस देन 20 सेकेंड में वो सवाल चेक करके आने चला, तो मत उसे उलझाएं कि नीचे उतरे और सवाल की इंग्लिश पढ़े, बुलेट्स यूज करें, पैराग्राफ्स मत यूज करें, पैराग्राफ अगर आप यूज करने के आदि हैं, हर बंदे का अपने एक राइटिंग का एक पैटर्न होता है, तो फिर उस पैराग्राफ में अंडरलाइन कर दिया करें काम की बातें, उसने नहीं पढ़ने आपके पैरा, आप उसको अंडरलाइन हुई भी बात दिखा दें, अगर अंडरलाइन हुई भी बात उसे समझ आ गई तो आपका पैरा बगैर पूरा इंग्लिश पढ़े वो समझ जाएगा कि बच्चा सही बात कर रहा है, और अगर आपकी वो अंडरलाइन वाली बात उसे समझ नहीं आई तो शायद फिर वो पैरा में उतरे कि यार यहाँ चल क्या रहा है, फिर उसको और मसले भी नजर आएंगे, तो इसलिए ना प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम बार बार कहते हैं टेस्ट के लिए हम एक दिन गाइड करते हैं, हम उसमें आपने देखा था उन दिनों, बल्कि शुरू में मैं ऑडिट की क्लास पढ़ा रहा होता था, मैं यही कैंपस में मौजूद होता था, अच्छा ये भी नहीं है कि ऑडिट की क्लास शाम में होती हो तो चलो मैं सिर्फ उसी के लिए आता था, मैं सुबह का आया हुआ होता था, और आपकी क्लास ना पढ़ा के मुझे तकलीफ ज्यादा हो रही होती थी कि जब बैठे में हैं तो एक दिन ही माइनस होगा ना, कम हो जाएगा मेरा कोर्स, जल्दी कवर हो जाएगा, बट वो एक दिन फारिग रखने के पीछे एक रीजन है, एक कॉज है कि उस एक दिन आप कोशिश करें कि आप लिख के अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव कर लें, क्योंकि मैं आपसे कहूंगा ना घर बैठ के लिखा करें, मुझे पता आप नहीं लिखेंगे, तो कम से कम हर हफ्ते आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जो लोग साथ साथ लिख रहे थे अब तक शायद कोई पता नहीं कितने 14-15 दफा तो उन्होंने प्रैक्टिस कर ली होनी थी, मिड टर्म वगैरह को भी मिला के आगे भी इसी तरह से चल रहे हैं, तो कोशिश करें कि साथ साथ टेस्ट दे दें और अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते जाएं, हर अगले टेस्ट में प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और बेहतर करते जाएं, मार्कर का यूज आई आपने कभी मना नहीं किया लेकिन कभी पसंद भी नहीं किया, मार्कर शुड बी ब्लैक, और आईकेएम के मुताबिक वो कहते हैं कि मार्कर के यूज से हमें लगता है कि बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो मार्कर में आए, मतलब और मना भी नहीं किया, इसलिए मना नहीं किया कि अक्सर लोगों को आदत होती है मार्कर इस्तेमाल करने की, तो मार्कर मना नहीं है लेकिन पसंद भी नहीं है, मकरूह है,
प्रेजेंटेशन बेहतर होती है। इसमें क्या होता है कई दफा आप अपने बॉलपॉइंट के साथ अंडरलाइन डबल अंडरलाइनिंग की भी अलग अलग लेवल डिफाइन कर लेते हैं प्रेजेंटेशन के। तो वो चूंकि अब ये ऑनलाइन है ना जो चेकिंग है, तो ऐसा नहीं है कि आपका फिजिकल कागज स्क्रिप्ट उनके सामने स्कैन हुई भी कॉपी जाएगी, तो स्कैन हुई भी कॉपी में वो बहुत ज्यादा वाजे खूबसूरती नहीं ऐड हो जाती मार्कर से, क्योंकि मार्कर भी ब्लैक कलर का है, देखे ना उसी कलर का मार्कर उसी कलर का बॉल पॉइंट, तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं लग रहा होता, बल्कि वो ना और ज्यादा ब्लैक वाला तो फैल जाता है। अगर ब्लू मार्कर हो और नीचे आप ब्लैक से लिखें, या ब्लैक मार्कर हो और नीचे ब्लू से लिखा हो, तो फिर खूबसूरत भी लगता है। ब्लैक पे ब्लैक वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं उठता, तो पसंद नहीं है उन्हें। मतलब उन्होंने कई दफा कहा है कि हम डिस्करेज करते हैं, हम एनकरेज हरगिज नहीं करते कि लोग मार्कर यूज करें, बकौल उनकी कि इसमें टाइम वेस्ट होता है। जी सर, बजट में मिनिमम और मैक्सिमम लाइन का कुछ कोई वो नहीं, मतलब इसमें कोई देखें मतलब कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है ना, ये डिपेंड करता है आप बात क्या कर रहे हैं। अगर बात लंबी है तो हो सकता है तीन लाइनों में चली जाए, हो सकता है छोटी बात है आप ही लाइन में ना, तो इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं। मतलब आप डायरेक्टर कोड जो कॉन्टेंट्स लिख रहे हैं, तो कोई बुलेट तो ऐसी है कि बिल्कुल ही छह वर्ड में खत्म हो गई पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, और एक बुलेट ऐसी है कि ऑल द डायरेक्टर्स दैट वर डायरेक्टर ड्यूरिंग दैट टाइम, वो इतना लंबा जुमला है तीन लाइनों में चला जाएगा। कोई वही बात है कि बहुत ज्यादा हर्ज नहीं है अगर आप सही लिख रहे हैं। ये लीगल जो पेपर है ना, इसमें एक खासूसियत होती है मैथमेटिकल मार्क्स होता है, अगर आपने पूरा लिखा है ना तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। और दूसरा इसमें इंग्लिश बहुत कम देखी जाती है, यानी कि इधर ग्रामर की मिस्टेक को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है। हाँ, जो प्योर इंग्लिश राइटिंग वाले होते हैं जैसे BMBS हुआ करता था, अब MFA के अंदर इंग्लिश राइटिंग ऑडिट के अंदर, तो वहां पे थोड़ा सा वो चाहते हैं कि राइटिंग भी थोड़ी सी बेहतर हो। लॉ के पेपर्स में तो सीधा सीधा मामला है कि बस नुक्ते बताए पॉइंट बताए और सवाल में ये पॉइंट थे और बस खत्म कर दिया। जी और सर, ये जो 75 वाली ऑप्शन है, इसमें अगर मेंबर अप्रूव कर देते हैं तो ये वो लास्ट पॉइंट में आ सकता है कि वो कंपनी का रिपोर्ट? नहीं, असल में डिफॉल्ट तो है कंपनी के डायरेक्टर्स ने जब रिकमेंड किया है तो वो किस वक्त रिकमेंड किया है, जिस वक्त चीजें बेहतर थी, लॉस कब हुआ है बाद में, ये डिविडेंड कौन सी ईयर के प्रॉफिट का दे रहे हैं पिछले साल, तो इसका मतलब है ये बात ही गलत है कि आज हमें नुकसान हो गया हम पिछले साल का डिविडेंड नहीं दे रहे। पिछले साल का डिविडेंड आप अनाउंस भी कर चुके हैं, हाँ उसको कम करना है, मेंबर्स को ये बता दें यार इसे कम कर दो, हम तो आपको अनाउंस कर चुके हैं लेकिन अब फंस गए, कम हो सकता है डेफर नहीं हो सकता। जी आते हैं टेबल वाले सवाल के, ओडब्ल्यू लिमिटेड, सवाल को हाईजेक कर लिया जुलाई से चलते हैं और 30 जून पे खत्म होता है। जून 30 2020 पे एंड होगा। बड़ा प्यारा सवाल है आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को पूछने का, दोबारा से देख लें, डिस्कस द टाइम लिमिट्स एंड डेट्स इट शैल प्रिपेयर। इसका मतलब सवाल दो बातें मांग रहा है, पहले बताएं टाइम लिमिट क्या है और फिर तारीख भी निकाल के बताएं। तो कुछ ने क्या किया होगा, सिर्फ टाइम लिमिट बता दी होगी 30 दिन 60 दिन, उन्होंने अभी आदत बात दी है। कुछ ने सिर्फ तारीखें लिख दी होंगी, दोनों जवाब उन्होंने भी आदत दी है, क्योंकि सवाल ने कहा कि टाइम लिमिट्स वो करें डिस्क्राइब करें डिस्कस करें एंड तारीखें भी डिस्कस करें। तो जो 30 सितंबर 2019 को क्वार्टर एंड हो रहा है, ये पहला क्वार्टर है, क्वार्टर एंड होने के 30 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, 30 को एंड हो रहा है तो अगले 30 दिन अगले महीने की 30 तारीख पे होंगे, क्योंकि ये महीने की आखिरी तारीख है, तो ये क्या बन गया 30 अक्टूबर तक इसके पहले वाले क्वार्टरली अकाउंट्स वेबसाइट पे आ जाने चाहिए। फिर आते हैं क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर। अच्छा, क्वार्टर भी बताया हुआ और हाफ ईयर भी बताया हुआ है। अब आप क्वार्टर वाले भी लिखेंगे भाई इस वक्त क्वार्टर नहीं होता, इस वक्त हाफ ईयर होता है, तो सेकंड वाली लाइन को आप कह देंगे कि ये क्वार्टरली इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें हाफ ईयर की रिक्वायरमेंट है जो पार्ट थ्री में। तो सेकंड में आपको धोखा देने की कोशिश की है, क्योंकि क्वार्टर के नीचे ही हाफ ईयर भी बता दिया है, तो आप कह देंगे जी सेकंड क्वार्टर पे क्वार्टरली अकाउंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हाफ ईयर लिया ब्रैकेट में हाफ ईयर लिखते हैं तो नीचे वाली लाइन में भी आपने वही लिखा होगा। अगर नीचे की लाइन गायब होती ना तो फिर तो बात समझ आती है, नीचे उन्होंने हाफ ईयर लिया अलग से भी पूछा हुआ है,
तो इसका मतलब है ये क्वार्टर में आपको धोखा देने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपने ब्रैकेट में लिख भी दिया होगा तो नीचे वाला तो ठीक रहेगा, ऊपर वाले पे हम सोचेंगे लो जी बच्चे ने क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया कि ये वाला क्वार्टर तो हमने भेजना ही नहीं होता, इधर तो हमने हाफ ईयर भेजना होता। तो कभी कभी एग्जामिनर जो है, अब अगेन आप मेरे से तो डिबेट कर सकते हैं, नहीं सर वो असल में मैंने तो यूं सोचा था, सर आप भी जरा नजरें करम करें, आई कैप में एग्जामिनर तो नहीं आपके सामने ना, चेकर तो नहीं सामने, आपने जो समझना कागज को देख के समझना है कि वो क्या सोच रहे हैं क्या चाह रहे हैं, और जहां डाउट हो पता नहीं ये तो नहीं चाह रहे वो तो नहीं चाह रहे, एहतियातन ज्यादा बात करते हैं। आपको अगर डाउट हुआ कि क्वार्टर भी है वो भी है और आपने ब्रैकेट में भी लिख दिया, तो एक दफा ही लिख देते कि ये सेकेंड क्वार्टर पे हम क्वार्टर नहीं भेजते हम हाफ ईयर भेजते, या कुछ भी ऐसा कर देते हैं कि हमें जरा थोड़ी सी खुशी होती है। लेकिन अगर आपने समझा नहीं कि हमने क्यों ये अलग से लाइन दी हुई है तो फिर हम भी नहीं समझेंगे कि आपने क्यों उस तरह से लिखा है। बट इसमें पांच नंबर है, पांच ही वो पॉइंट्स हैं। हाँ, तो उनको अगर सबको मैंने ये थोड़ी कहा कि उसको खाली छोड़ देना उस लाइन को, ये लिखना भी तो एक पॉइंट है ना कि सेकंड क्वार्टरली अकाउंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रादर इस वक्त हम हाफ ईयरली की करते हैं जो कि पॉइंट थ्री में कितना खूबसूरत जुमला है। हाफ ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, तो 31 दिसंबर 2019 से आगे 60 दिन काउंट होते हैं। पता नहीं आपने नोट किया है, ये खास तौर पे इस तरह का ईयर डेवलप किया कि सन 2020 एक लीप ईयर बने, तो फिर आपने 60 दिन गिनने थे, 31 दिन जनवरी के, 29 तो हो सकता है आप में से कुछ जज्बाती होगी यकम मार्च पे चले गए, 28 दिनों का फरवरी काउंट करके, लेकिन फरवरी इस सवाल में 29 दिन का। सर ये तो ऊपर नहीं ना, ये नहीं 2020 देखें, ये एक दिस कैन फेयरली बी अज्यूम कि हर बच्चे को ये पता होगा कि कौन से महीने में 30 दिन होते हैं और कौन से में 31, ये तो पता नहीं, ये तो पता है जो चार पे डिवाइड होता है वो लीप है। और जब भी फरवरी बीच में आता है तो हमेशा अलर्ट होने की जरूरत होती है कि फरवरी के कभी भी दिन वो कंफर्म नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं। अगर यहाँ सन 2000 आपसे हमने वो एक्सपेक्ट नहीं किया, अगर यहाँ सन 2000 लिखा होता तो उसमें फरवरी के 30 दिन सुपर लीप ईयर 400 साल बाद आता है। ये सूरज और चांद का ये आपको मोबाइल कैलकुलेटर कैलेंडर्स पे नजर नहीं आएगा, ये सन 2000 के फिजिकल कैलेंडर्स पे नजर आएगा, क्योंकि जो आपके डिवाइसेस वगैरह हैं ये तो पुरान हुई भी है नए हिसाब से, क्योंकि इन डिवाइसेस ने भी आउट हो जाना था शायद Y2K, आप लोगों को कुछ अंदाजा हो, ईयर 2000 एक बड़ा खतरनाक ईयर था कि उसमें सारी कैलकुलेशन आउट हो जाएंगी क्योंकि दिनों की कैलकुलेशन आगे पीछे होने लगी है, तो मोबाइल्स वगैरह में उन्होंने फिर दिन को उस तरह से वो नहीं किया था। फरवरी वॉज 30 डेज सुपर लीप ईयर 400 साल बाद आता है। असल में सूरज और चांद के जो आपस में वो मामला है, ये जो एक वो रेवोल्यूशन है, इसको हम कहते हैं कि ये 365 दिन 6 घंटे और कुछ सेकंड का ड्यूरेशन है, तो 365 दिन तो साल में डाल दिए, 6 घंटे जब 4 साल में पूरे होते हैं तो एक दिन फरवरी में ऐड कर देते हैं लीप ईयर का, वो जो थोड़े से सेकंड है ना वो भी तो क्यूमुलेट हो रहे हैं, तो 400 साल बाद जो फरवरी है वो सुपर लीप ईयर बन मतलब है कि हम देखें, हम उतनी गहराई में नहीं गए, हम एक कॉमन वाली बात की तरफ गए जो कि बहुत ज्यादा लोगों को पता है, तो ये तो हमारी इतनी तो चलाकी आपको जो है ना पता है। और जब भी 60 दिनों की कैलकुलेशन किसी वक्त करवानी हो ना, तो मेरा हमेशा मुझे जो महीना सबसे पसंद है ना वो है जुलाई, क्योंकि जुलाई भी 31 का है, अगस्त भी 31 का है, बच्चे ठकाठक 60 ऐड करेंगे, दो महीने आगे जाके उस तारीख पे जाके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे लो जी मैं 60 दिन आगे आ गया, फिर हम उन्हें एग्जामिनर कमेंट में कहेंगे कि बच्चों ने इस चीज को समझा ही नहीं कि जुलाई में भी 31 दिन होते हैं और अगस्त में भी। तो जब भी दिनों को गिनना हो ना, और अगेन पता है शर्माने की जरूरत नहीं है, पेपर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, उंगलियों पर गिनना शुरू करते हैं, कोई मसला किसी ने उस टाइम पे ये नहीं देखना कि आपकी इज्जत कम हो गई उंगलियों पे गिनने से, या इस तरह से अगर आप उस एक नंबर को लेने के लिए उंगलियों पे गिन रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई पता नहीं वो एक नंबर आपको पास होने की तरफ ले जाए। खैर, तो ये 29 फरवरी क्वार्टर जो 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है, इसके 30 दिन 30 तक, और जून 30 2020 को जो पूरा ईयर एंड हो रहा है, मेरा हाथ में एक बाइक है कागज उस पर 180 दिन लिखा है, तो खैर वो भाई ने शायद वो कैलकुलेशन जो है ना वो 6 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 120 दिन
120 दिन 28 अक्टूबर में होता है, आप लोगों ने कैलकुलेट करके देख लिया। तो ये एक प्यारा सा सवाल था, एमसीक्यू तो आपको पता है कि ये तो आप कैलकुलेट लेते हैं और उसका सीधा सीधा जवाब होता है। किसका था सर? एक दफा 8th एमसीक्यू। Financial statement of a single member company shall be signed by chief executive, one director, chief executive and one director, chief executive and two director. One director. वो साइन करेगा। और इसमें था कि chief executive और one director, ये नहीं हो सकता? नहीं, असल में किताब में बड़ा clear cut लिखा है कि financial statement उसके shall be signed by the sole director। किताब से हम नहीं लग सकते क्योंकि उसका chief executive भी वही sole director। नहीं करनी थी, वहां से करनी थी जो हम लोगों ने महीने। अच्छा जी, आप लोगों ने आखिरी दिन बड़ी मजे मजे की बातें पढ़ी। हम लोगों ने पढ़ा कंसोलिडेटेड अकाउंट्स और फिर हम लोगों ने पढ़ी एक एनुअल रिटर्न। वक्त कम था तो हम लोग डायरेक्ट रिपोर्ट हमने नहीं पढ़ी थी। मुझे बताइए, बल्कि मुझे क्या बताइए, पहले मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, क्या चीज़ है? सर ये अगर आपकी सब्सिडरीज हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी हो, ठीक है, अगर आपकी सब्सिडरीज भी हो तो वो जो एक पूरे ग्रुप की जो चीज बनाते हैं उसे इसको ग्रुप भी कहते हैं और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसमें आप अपनी ही नहीं अपनी प्लस अपनी सब्सिडरीज की भी अकाउंट्स जोड़ के दिखाते हैं, ठीक है। किसने बनाने होते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? पेरेंट ने। हर वो कंपनी जो होल्डिंग कहलाती है ना उसमें, और कोई भी कंपनी किसी दूसरे की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है जब कोई दूसरी ऐसी जरूर मौजूद हो जो उसकी सब्सिडरी कहला सके। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ईयर एंड क्या होगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस ईयर एंड की बनाएंगे? होल्डिंग का ईयर, जो होल्डिंग का ईयर एंड है उसी ईयर एंड की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनेंगे। अगर दोनों का ईयर एंड सेम हो तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस उनके 12 महीने का अकाउंट पकड़ेंगे, अपने 12 महीने का अकाउंट पकड़ेंगे और कंसोलिडेट कर देंगे। किन रूल्स को फॉलो करते हुए कंसोलिडेट करेंगे? किन रूल्स को फॉलो? नहीं नहीं, वो तो बात है, मतलब कंसोलिडेट करते हुए कौन सा अकाउंटिंग के रूल चूज होगा? जो थे फोर्थ स्केड्यूल के, फोर्थ स्केड्यूल और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम फॉलो करते हुए इनको कंसोलिडेट कर देंगे। तो आइए पारस और फोर्थ स्केड्यूल इसके मुताबिक कंसोलिडेट कर देंगे। अगर दोनों के ईयर एंड में कितने दिन से ज्यादा का फासला हो तो फिर हमें कुछ और वर्किंग करनी पड़ेगी। 90 डेज से ज्यादा का फासला हो, वो वाले भाई पीछे की तरफ मुड़ के देखना है या आगे की तरफ देखना है फासला? पीछे की तरफ। होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड से पीछे की तरफ मुड़ के देखेगी अगर उसकी सब्सिडरी का ईयर एंड इसके ईयर एंड से कम 90 दिन बाद हो, तो फिर इन्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटरिम क्लोजिंग। यहां तक आवाज आ गई है तो आप तो बता, इंटरिम क्लोजिंग करेगी सब्सिडरी कंपनी अपने उस दरमियाने पीरियड के अकाउंट्स बनाएगी और वो अकाउंट्स बना के इन लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे। ये वाले भाई किबला, क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट होगा? यस। कौन करेगा? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का ही ऑडिटर करेगा। क्या इसके मेंबर्स को एजीएम पे बुलाया जाएगा? क्या मेंबर्स को एजीएम में ये वाले अकाउंट्स दिखाए जाएंगे? क्या मेंबर्स को 21 दिन पहले ये वाले अकाउंट भी भेजे जाएंगे? क्या ये वाले अकाउंट भी रजिस्ट्रार को जमा कराए जाएंगे? यस। तो फिर पिछले वाले नो क्यों थे? सारी रिक्वायरमेंट्स इसके वैसे ही हैं जैसे स्टैंडर्ड वाले हैं। ये उसी तरह से साइन भी होंगे, ये उसी तरह से अप्रूव भी होंगे, ये उसी तरह से भेजे भी जाएंगे, ये उसी तरह से फाइल भी होंगे। यानी हर वो काम जो सादा अकेले अकाउंट्स के साथ हो रहा है ना, वो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के साथ भी हुआ करेगा। कंसोलिडेटेड कंपनी के अकाउंट्स में कई दफ़ा आप कुछ ऐसी बात मशकूक सी बताते हैं वाले मुसलमान जो कि सब्सिडरी के अकाउंट्स में कुछ चल रहा हो, किबला में बताएंगे। आप एब्सेंट हैं, वो वाले किबला में बताएंगे। सब्सिडरी के अकाउंट्स में ऐसी क्या गड़बड़ है जो हम अपनी ग्रुप के अकाउंट्स में बताते हैं? कहीं ऐसा होता है कि हमने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में कुछ डिस्क्लोज करना हो, कुछ बताना हो, अगर ऑडिटर सब्सिडरी पे कोई कीचड़ उछाल गया
उस पर कोई क्वालिफिकेशन एतराज लगा गया, कोई नोट या सेविंग कोई कि अच्छा ये ध्यान से पढ़ लेना वो, तो अगर उनका ऑडिटर कोई उनके ऊपर कोई एतराज लगा के गया है, कोई वाजे करके गया, कोई चीज हाईलाइट करके गया है, तो दिस इज अवर ड्यूटी कि हम अपने पूरे ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीज देखें। दिखने में लग रहा होता है कि थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन अगर आप देखें एक एक लाइन के अंदर डिटेल है। ये वाला भाई होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का ये रेंट आइडियली सेम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? आइडियली सेम होना चाहिए। सेम के लिए मैं एक ओखा सा वर्ड लॉ का क्या इस्तेमाल करता, कॉन्साइड। तो पेपर में ध्यान में रखना, हो सकता है वो कह देंगे जी कॉन्साइड कर रहे हैं, को सी ओ आई एन, तो फिर आपको समझ आ जाए कि ये सेम है। तो आइडियली सेम होना चाहिए, बहुत अच्छा कहा भाई, जल्दी जल्दी से पढ़े क्या क्या लिखा। अगर ये सेम ना हो तो क्या इसको सेम करने में इदारों की तरफ से कोई गुंजाइश है? इदारों ने कुछ कुछ कहा है कि आपको आप सेम करें, हम आपको मदद करते हैं? आप प्रेजेंट नहीं थे, एसईसीपी रिलैक्सेशन दे देगा अगर आपकी नियत दोनों की ईयर एंड सेम करना है, तो एसईसीपी आपको बड़े टाइम के अकाउंट बनाने की इजाजत दे देगा, आपको एक्सटेंशन दे देगा, यानी कि दोनों कंपनियों को हर तरह की सहूलत देगा कि यार तुम लोग चाहे 13 महीने का अकाउंट बनाओ, तुम 9 महीने के बना लो, बस किसी तरीके से तुम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ, एक दफा जुड़ जाओ ताकि आगे, तो एसईसीपी इन दोनों ईयर को कंसाइड करने से रिलेटेड हमें हर तरह से फैसिलिटेट कर रही होगी। कोई सवाल कंसोलिडेटेड अकाउंट्स वाले सेक्शन, क्या बात अच्छी तरह से समझ आ रही है? तो नीचे वाले का अपना एक ग्रुप भी है ना, तो हर कंपनी जो होल्डिंग की डेफिनेशन में है उसने अपने ग्रुप के अकाउंट जरूर बनाने, जो जो होल्डिंग की डेफिनेशन में जी। और वो जो पूरा ग्रुप जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं उसकी कंबाइंड वर्थ के करिए, तो जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं वो आप और आपके नीचे वाले इदारे, आपके ऊपर वाले इदारे नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा सब्सिडरी को कंसोलिडेट करो अपने साथ, हमने ये नहीं कहा कि होल्डिंग को अपने साथ कंसोलिडेट करो। जी जी, वो उसकी होल्डिंग होगी दूसरे वाली की जी, मतलब सब्सिडी की, सब्सिडी का अगर रूल है तो जो दरमियान में कंपनी है वो होल्डिंग होगी सबसे नीचे वाले की। एक सबसे ऊपर होल्डिंग कंपनी है, उसने ग्रुप अकाउंट्स बनाए, उसके नीचे थी एक सब्सिडी और उसके नीचे एक और सब्सिडी थी, सबसे ऊपर वाली ने पूरा बनाया अपने और अपनी नीचे की दोनों सब्सिडी, दरमियान वाली की सिर्फ एक सब्सिडी है उससे नीचे, तो दरमियान वाली अपने और अपने से नीचे वाली कंपनी के बनाएगी, और जो सबसे नीचे वाली कंपनी है चूंकि वो होल्डिंग नहीं है तो वो कुछ नहीं, वो वाली सब्सिडी मुल्क से बाहर है, उसके इंटरनल अकाउंट्स हम तक पहुंचने में टाइम लग जाता है, उनके अभी अकाउंट्स चल रहे हैं, अभी उनको ऑडिट हो रहा है, तो अगर कोई कंपनी एसईसीपी को अप्लाई करके कुछ रिलैक्सेशन मांगना चाहे इस सेक्शन में, तो वो अपनी किसी ना किसी एक आध सब्सिडी को बता के उसमें रिलैक्सेशन मांग सकते हैं, यानी उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जिस सब्सिडी में मसला हो बस उसकी रिलैक्सेशन ले सकते। जी, जो सब्सिडी के अकाउंट्स होंगे वो भी ऑथेंटिकेट हो गए हैं? जी, सब्सिडरी के अकाउंट्स क्या वो ऑथेंटिकेट होंगे? जब सब्सिडरी अपना ईयर एंड कर रही होगी, जब अपनी सारी काम कर रही होगी, तो वो ऑथेंटिकेशन होगी। जो इंटरिम अकाउंट्स है सवाल उस पर कम होश है, मतलब हमें किताब जो है उसके बारे में कुछ नहीं बता रही, जब कुछ नहीं बता रही तो स्कूल से अगेन मैंने शायद आपको बताने की कोशिश की हो, ये जो इंटरिम अकाउंट है ना इनका रिव्यू करवाना चाहता है सब्सिडरी कंपनी, इसको होल्डिंग को ऐसी नहीं भेज देती, पहले इसका एक छोटा सा रिव्यू करवाते हैं, फिर वो रिव्यू हुए भेजते हैं, तो उससे वो वाला जो खतरा है ना वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑथेंटिकेट में हम कहते हैं ना कि वो डायरेक्ट, हाँ बड़े लोग साइन करें, हाँ तो इंटरिम में वो वाली चीज किताब ने मैंने बताई। जी, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, सर ये कंसोलिडेटेड अकाउंट होल्डिंग बनाएगी ना सब्सिडरी की? बिल्कुल होल्डिंग, मगर सर यहां पे कहा हुआ है कि जो होल्डिंग का ऑडिटर है वो वहां पे रिपोर्ट करेगा, जब बनाई उसने पे रिपोर्ट करने का क्या फायदा? क्या
सर ऑडिटर नहीं बताता ना अकाउंट्स, अकाउंट्स कंपनी के बड़े बनाते हैं अकाउंट्स वाले, फिर कंपनी के बहुत बड़े उसको साइन करते हैं, डायरेक्टर सीएफओ चीफ एग्जीक्यूटिव ये लोग साइन करते हैं। ऑडिटर एक बाहर से आया हुआ बंदा होता है जो चेक करता है कि वो अकाउंट सही बने हैं, तो ये थोड़ा सा वैसे उसकी ड्यूटी है वो तो। हाँ मतलब उसकी ड्यूटी तो जिस कंपनी के अकाउंट चेक करने की थी वो थी, लेकिन ये एक एडिशनल ड्यूटी आ गई कि चूंकि इस कंपनी के नीचे एक और कंपनी थी तो वो वाली कंपनी अब एक और बड़े अकाउंट भी बनाएगी और ये वाले भाई साहब ने उसका भी ऑडिट करना है और ये इतने अच्छे नहीं है, ये उसके पैसे अलग से लेंगे, वो अलग असाइनमेंट है जी। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ऑल क्लियर। फिर आपने पढ़ी एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न साल में कितनी दफा जमा करानी होती है? एक दफा, क्योंकि एनुअल रिटर्न है। एनुअल का मतलब ये है कि सालाना, अगर क्वार्टरली होता तो हम उसको तीन चार दफा सोचते हैं, तो बिल्कुल सही हमने कहा एनुअल रिटर्न साल में एक दफा है। एनुअल रिटर्न में क्या होता है? बड़ा मुश्किल सवाल, क्या होता है एनुअल रिटर्न? सर कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, वो तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। एनुअल रिटर्न में क्या होता है? एनुअल रिटर्न ये इस लेन में सबसे एंड पे जो भाई बैठे हैं कॉर्नर पे, आप कल नहीं आए थे? आए थे। क्या होता है एनुअल रिटर्न में? किसी को तो याद होगा कि लंबी सीरीज टू पर्ट एज एज में भी प्रेस्क्राइब जो बता दी जाएंगे, इसमें प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स होते हैं, इसमें फॉर्म होता है फॉर्म ए फॉर्म बी, हमारी किताब ज्यादा गहराई में नहीं उतरी। तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल या कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, दोनों का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है जिसपे इन्होंने अपनी कुछ चीजें बतानी होती है। किताब में नहीं लिखा लेकिन मैंने जबानी जबानी जरूर बताया, याद है किसी को? मैं जबानी जबानी कुछ बताया था कि इसमें होता क्या है। मेंबर्स की लिस्ट होती है, मेंबर्स की डिटेल होती है और कंपनी की कुछ मेजर एक्टिविटीज, कंपनी का शेयर कैपिटल ऑथराइज कितना है, पेडअप कितना है, कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, कंपनी का ऑडिटर कौन है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, कंपनी के सालाना कमाए, ये हम सालाना बेसिस पे भेजते हैं। क्या किसी साल हम बगैर भेजे भी काम चला सकते हैं? अगर वो सेम है, अगर सेम है, अगर तो पूरा साल गुजरने के बाद अगले साल वही ऑडिटर है, वही सारा कुछ है, सारी चीजें वही है और मेंबर्स भी सारे वही है, तो फिर आपको दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है, बस खामोश हो जाए, इन्फॉर्म कर दें कि जी इसमें कोई चेंज नहीं है। क्या कभी ऐसा होगा कि आप इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे? अगर एक छोटी प्राइवेट कंपनी है तो वहां इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है, इन्होंने कहा 3 मिलियन से छोटी प्राइवेट या एसएमसी जो कंपनी है उसको तो इवन ये भी नहीं बताना कि चेंज नहीं है, इन्फॉर्म भी नहीं करना। इसमें जितने भी पर्टिकुलर डलेंगे वो एक खास डेट तक अपडेटेड होंगे। किबला कौन सी डेट तक अपडेटेड होंगे? एक साल तक अपडेटेड। एक साल गुजरने के बाद होता है ना कि फलाना गोशवारे जमा कराएं जो फलाना तारीख तक की चीजें बता रहे हैं, तो इस पे कौन सी तारीख तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई होगी? पिछले 10 ईयर सवाल देखें, टैक्स वाले कहते हैं कि हमें टैक्स की रिटर्न जमा कराएं, रिटर्न वो कहते हैं सितंबर में जमा कराएं, लेकिन वो कहते हैं 30 जून तक के आपके जो मामलात हैं वो इसमें नजर आने चाहिए, तो इसका मतलब है 30 जून तक की चीजें हमने उसमें एज एट 30 जून जो होता है, कंपनियों के एनुअल अकाउंट्स वो भी ज्यादातर 30 जून तक अपडेटेड होते हैं, तो ये जो एनुअल रिटर्न है ये किस दिन तक की अपडेटेड होगी? लास्ट डेट ऑफ प्लानिंग। हां जी वो वाले भाई आप आए थे कल, कल से मुराद लास्ट वर्किंग डे, तो क्या किस दिन तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन आनी चाहिए? एजीएम, जो एजीएम वाला दिन है उस दिन तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और क्या इसके अलावा कुछ दिन हो सकता है? अगर एजीएम नहीं है कोई पूरे साल में या हुई और कंक्लूड नहीं हुई तो फिर लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर यानी कि 31 दिसंबर 2000 जो भी आपका ईयर चल रहा हो। डन। साथ वाले भाई कितने दिन हमें भेजना होता है और किसको भेजना होता है? आप आइए आगे वाले भाई, मतलब ये अब सबसे पीछे वाली रो से जो अगली रो है। जी 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 30 डेज सबके लिए लिस्टेड के लिए ज्यादा कितनी की गुंजाइश है? 45 डेज तक जा सकते हैं, 15 दिन मजीद मिल सकते हैं लिस्टेड को, तो 30 दिन ये 30 दिन स्टार्ट कहाँ से होंगे? वो जो एजीएम वाली डेट है या जो ईयर एंड है जो भी, मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया होगा। एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कोई सवाल है? उसका पेज उसका पेज हाँ वो फिर हमने ग्रुप में डाल दिया था,
उस दिन वो प्लान में नहीं था और जो सेक्शन पढ़ना था वो प्लान से आउट हो गया, तो इसलिए फिर हमने फौरी तौर पर एक्शन ये लिया था कि हमने सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कर दी थी, तो उसकी फिजिकल कॉपी भी अवेलेबल हो सकती है। ये अब मुझे कौन याद करेगा, मसला ये है कि मैं उस याददाश्ती गुशवारे तक भी तो पहुंच जाऊंगा। चलें, वो कागज आपको इस हफ्ते में मिल जाएगा, सॉफ्ट में तो आपके पास है, ये जिनके पास नहीं है वो उस दिन जो ग्रुप में आया था, ग्रुप में नहीं आया था तो मैं यहाँ तस्वीर दिखा देता हूँ, ये लेंगे, ये इसकी तस्वीर दोबारा खींची जा सकती है। हाँ जी, एनुअल रिटर्न से बता दें, लास्ट लाइन, जितने भी पर्टिकुलर्स एनुअल रिटर्न में डालेंगे ना वो कभी ना कभी किसी ना किसी रजिस्टर में जरूर इंदराज होने चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि आप रिटर्न में चीजें अपडेटेड डाल दें और रजिस्टर में रखी हुई हो पुरानी। आसान अल्फाज में पहले अपने रजिस्टर अपडेट करेंगे फिर वहां से इन्फॉर्मेशन उठा के इस रिटर्न में डालेंगे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिटर्न में जो मेंबर्स का नाम आ रहा हो और जो रजिस्टर में मेंबर्स का नाम आ रहा हो उस डेट पे वो फर्क हो, तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रजिस्टर से निकाल के रखेंगे। जी, रजिस्टर में लिखना जरूरी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर से मुराद कोई भी फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, एक्सेल की शीट भी हो सकती है। जी, एनुअल रिटर्न में कोई सवाल? सर, जब अगर तो रजिस्टर क्लोज हो, क्या चीज रजिस्टर अगर क्लोज हुआ है ना, वो बुक क्लोज जी, अगर रजिस्टर क्लोज हुआ है जाहिर है एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि इसमें वो वाला डे जिस डेट पे अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहिए सब बुक्स बंद ना हो, या अगर बुक्स बंद भी हो तो अगर 28 तारीख को बुक्स बंद हुई है और 30 को फर्ज करें मतलब इनकी एजीएम है तो 30 को भी वही डाटा होगा जो 28 को है, तो बुक्स क्लोज भी हुई हो तो हम उसको 30 तक की अपडेट इन्फॉर्मेशन मानेंगे जो बुक क्लोजर के स्टार्ट में। जी, एनुअल रिटर्न याद रहे कि डिपेंडेंट और ये मिला के 15 से 20 नंबर का एरिया है, इसलिए हम तसल्ली से इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये वाला चैप्टर और डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है इसमें, मतलब इतना है कि आप पूरा भी लिख लें तो आपके रजिस्टर के 10 सफ़े ना मिले, और उसमें आपको 15 से 20 नंबर अगर मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसको तो बहुत ज़्यादा गोल भी पी लेना चाहिए। जी, ऑल डन। एक सेक्शन हमने उस वक्त छोड़ दिया था, हम आगे उसको लेके चले थे, आज चूंकि टेस्ट भी डिस्कस होना होता है बाकी एक्टिविटीज भी होती हैं, तो आज फिर हम इस चैप्टर को खत्म कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। डायरेक्टर रिपोर्ट, ईयर एंड पे जो मेंबर्स को भेजे जाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिटर की रिपोर्ट भी है, फिर एक तीसरी चीज भी आपने भेजनी होती है डायरेक्टर। अकाउंट्स में पता है क्या लिखना होता है, अकाउंट में वो लिखना होता है जो स्टैंडर्ड ने बताया, ये चीज ऐसे लिख दो, ये चीज ऐसे दिखा दो, ये चीज ऐसे दिखा दो। ऑडिटर की रिपोर्ट में वो लिखता है जो ऑडिटर की मर्जी होती है। तो डायरेक्टर बेचारे ये सोचते हैं कि हम मेंबर से कैसे खिताब करें, हम मेंबर से कैसे कम्युनिकेट करें। तो डायरेक्टर रिपोर्ट इज द थिंग जो इस चीज के लिए है कि जब आप अगर मेंबर से कोई बात करना चाहते हैं, आप मेंबर को पूरे साल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो आप एक डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएं और उसमें सारी बातें बताएं। ये रिपोर्ट जरा ओपन सी रिपोर्ट होती है, इसमें जो मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें लॉ ने कह दी हैं ये लाजमी डालो, बाकी चीज़ें उन्होंने आपको खुला छोड़ दिया कि आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर जो मर्जी लिखें। तो डायरेक्टर तो तसल्ली से बताते हैं कंपनी ने क्या परफॉर्म किया इस साल, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, फलाना फलाना, मुख्तलिफ ग्राफ चार्ट तस्वीरें, डायरेक्टर्स की तस्वीरें, ऑफिसर्स की तस्वीरें, मतलब फुल रंग बिरंगी सी ये रिपोर्ट होती है। बट उसमें जो रंग शक डालें वो अपनी पसंद से डालें, कानून ने जो ऑफिशियल बातें की हमने बस वो पढ़ी। डायरेक्टर रिपोर्ट किसने बनानी है? डायरेक्टर रिपोर्ट हर पब्लिक कंपनी ने बनानी है, नंबर वन। हर उस प्राइवेट कंपनी ने बनानी है जो पब्लिक की सबसे बड़ी है, फिर हर उस प्राइवेट कंपनी ने बनानी है जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा हो। इसका मतलब है सारी पब्लिक कंपनी हमेशा बनाएंगी, प्राइवेट कंपनियां नहीं बनाएंगी, लेकिन दो में से अगर कोई एक हरकत हो गई, कोई एक भी हो गई, तो फिर बनानी पड़ेगी। अगर उनकी होल्डिंग कोई पब्लिक कंपनी हुई तो बन नहीं पड़ जाएगी, या उनका पेड अप कैपिटल। अब मैं आपसे उल्टा जुमला पूछूंगा, कौन सी कंपनियां डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनाती? वो प्राइवेट कंपनियां जो 3 मिलियन से छोटी हों
एंड किसी पब्लिक की सब्सिडरी ना, तो किताब में हो सकता है आपको ये जुमला यूं नजर आए तो आप परेशान ना होइएगा, आपको पता होना चाहिए कि किसने मनाना है, पब्लिक कंपनी ने मनाना है, प्राइवेट जो पब्लिक सब्सिडरी उसने मनाना है, और वो प्राइवेट जो जिसका 3 मिलियन से ऊपर कैपिटल उसने मनाना है। तो किसने नहीं मनाना? उस प्राइवेट कंपनी ने नहीं मनाना जो पब्लिक की सब्सिडरी भी ना हो और जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा हो। चलते हैं इनसे पूछते हैं। बोर्ड शैल प्रिपेयर अ डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर फाइनेंशियल ईयर की डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएगा, लेकिन दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। किस पे नहीं करेगा? टू अ प्राइवेट कंपनी, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी पे नहीं अप्लाई करेगा, नॉट बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल अप टू 3 मिलियन। 3 मिलियन या 3 मिलियन से छोटा पेड अप कैपिटल रखने वाली कंपनी जो किसी पब्लिक की सब्सिडियरी भी ना हो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं है। तो सेक्शन अप्लाई किस पे करेगा? पब्लिक कंपनियों पे, पब्लिक की सब्सिडियरी प्राइवेट कंपनियों पे और उन प्राइवेट कंपनियों पे। ये जुमला सीधा और उल्टा दोनों तरह से समझ आ रहा है। अब अगर वो पेपर में पूछ लें कि किसने बनाना है तो भी बता सकते हैं और किसने नहीं बनानी वो भी बताया जा सकता है। अब इसके बाद थोड़ा सा कहानी में मजीद ऐड करते हैं, इसमें शामिल क्या होगा। देखिए पब्लिक कंपनियां हमेशा बना रही हैं, प्राइवेट तब बनाएंगी जो पब्लिक की सब्सिडियरी है या उनका 3 मिलियन से ऊपर कैपिटल है। हर कंपनी 3 बातें लाजमी बताएगी। वो 3 बातें नॉर्मली हर कंपनी के साल के एंड पे जो मेंबर्स उससे चाहते हैं कि उन्हें पता लगे, वो नंबर 1 ये कि कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया पूरा साल, नंबर 2 एंड पे प्रॉफिट्स का क्या बना, एंड पे प्रॉफिट्स के साथ क्या स्लूक हो सकता है, एक तो एक डिविडेंड दे दिया जाए, उसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स, इस तरह की चीजों में डाल दें। तो हर मेंबर साल के एंड पे 3 चीजें जानना चाहता है, मेरी कंपनी पूरा साल कैसा परफॉर्म करती रही, नंबर 2 क्या साल के एंड पे कोई डिविडेंड मिला, नंबर 3 रिजर्व्स में क्या हुआ, वो जो पढ़े हुए प्रॉफिट्स हैं उनमें क्या मूवमेंट हुई, कोई नए ऐड हुए, क्या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उठा के हमने वहां पे डाला वगैरह वगैरह। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हर डायरेक्टर कंपनी में क्या बातें हैं तो आप कहेंगे 3 बातें लाजमी। यहां से रटे कई एक नई दुनिया शुरू होती है। अगर वो कंपनी पब्लिक भी हुई, देखिए ना प्राइवेट कंपनी भी डायरेक्टर रिपोर्ट बना सकती है, तो अगर एक प्राइवेट कंपनी का 3 मिलियन से ऊपर पेड अप कैपिटल है उसने तो बस ये 3 बातें बतानी है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो कंपनी पब्लिक या पब्लिक की सब्सिडियरी हुई तो लॉ ने कुछ इजाफी बातें भी कही है, फिर वो बातें भी बीच में आती है। फिर जब वो बातें पढ़ चुके होंगे और हम कहेंगे चलो शुक्र है बस इतना ही है, तो किताब कहेगी 1 मिनट, अगर लिस्टेड हुई खुदा ना खास्ता तो 4 और बातें, तकरीबन 17-18 के करीब बुलेट्स हैं, सारे ही याद करने हैं। और दिमाग में ये भी रखना है कि कौन से खाली प्राइवेट के हैं, कौन से प्राइवेट प्लस पब्लिक के हैं और कौन से प्राइवेट प्लस पब्लिक प्लस लिस्टेड। अगर लिस्टेड का सवाल आ जाए तो सारे लिखने, पब्लिक का आ जाए तो जो सेकेंड जोन में हम पढ़ेंगे वो और ये जो 3 पढ़ेंगे वो, और अगर खाली प्राइवेट कहते हैं विदाउट सब्सिडी ऑफ पब्लिक तो फिर पहले वाले। तो सबसे पहले वाले 3 तो हमें समझ आते हैं। स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के अफेयर्स कैसे चल रहे हैं उसके बारे में स्टेटमेंट, यानी कंपनी का बिजनेस कैसा चला पूरा साल। नंबर 2 पर्टिकुलर्स ऑफ एनी डिविडेंड रिकमेंडेड, क्या साल में कोई डिविडेंड रिकमेंड हुआ, हुआ तो उसकी कवायफ क्या है, कितना, कितनी डिटेल, कितने परसेंट वगैरह। और नंबर 3 पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड या प्रपोज टू बी ट्रांसफर्ड टू एनी रिजर्व अकाउंट, कोई अकाउंट कोई अमाउंट जो रिजर्व में ट्रांसफर हुई या आपका प्लान है कि हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो वो ये 2 का ताल्लुक प्रॉफिट से है और ऊपर वाला परफॉर्मेंस है। तो मेरी कंपनी की सालाना परफॉर्मेंस क्या रही, मेरी कंपनी में इस दफा डिविडेंड है या नहीं है, और अगर डिविडेंड है या नहीं है तो हमारे रिजर्व में क्या मूवमेंट हुई। ये 3 बातें जानना हर नागरिक का हक है, हर शहरी, हर वो शख्स जो कि इन्वेस्टर है उसका ये हक है कि 3 बातों से लाजमी पता लगे डायरेक्टर रखे। फिर यहां से अगली कहानी शुरू होती है, एडिशनल कंटेंट्स फॉर पब्लिक कंपनी एंड देयर सब्सिडरी। अगर पब्लिक और सब्सिडरी होंगी उनकी तो ये 3 तो है ही हैं। इजाफी, इजाफी क्या है, नेम ऑफ पर्सन जो कि किसी भी टाइम पे आपके डायरेक्टर रहे हैं पिछले साल, छोड़ के भी चले गए ना लेकिन चूंकि बीच में डायरेक्टर रहे हैं तो हमने 1 तो डायरेक्टर्स की डिटेल देनी है। दूसरा कंपनी की कोई चेंजेस, कोई कमिटमेंट कंपनी के बिजनेस में, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई बड़ी चेंज आई है तो आपने वो बताना है। कई दफा ईयर एंड हो गया, अकाउंट्स में तो ईयर एंड तक की इंफॉर्मेशन है, ईयर एंड के बाद फर्स्ट करें 2 महीने बाद एक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला जो कि मेंबर्स को बताना बड़ा जरूरी है कि
कितना तूफानी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसमें तो करोड़ों का फायदा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, डायरेक्टर्स का नाम और उसके अलावा कोई भी चेंजेस या कमिटमेंट हुई हैं फाइनेंशियल ईयर एंड से लेके डेट ऑफ रिपोर्ट के दरमियान, वो भी बताइए। पॉइंट तो समझा रहा हूं एक एक करके, लेकिन अल्टीमेटली आपने क्रैम करना है। कुछ इजाफी बातें, जितनी भी बड़ी चेंजेस फाइनेंशियल ईयर के दरमियान हुई हैं कंपनी के बिजनेस में, कंपनी की होल्डिंग के बिजनेस में, कंपनी की सब्सिडियरी के बिजनेस में, या उन कंपनियों के बिजनेस में जहां इन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की, तो साल के दौरान होने वाली बड़ी बड़ी चेंजेस वो बताई जाए। अगर कोई ऑडिटर भाई को रिजर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन, कोई एडवर्स रिमार्क्स वगैरह दे गए, ऑडिटर को अकाउंट में कीचड़ उछाल गया, ऑडिटर ने कहा जी अकाउंट में ये मसला, ये मसला, ये मसला, तो डायरेक्टर उसकी जस्टिफिकेशन अपनी रिपोर्ट में देंगे कि नहीं ऑडिटर ने ये कहा था, हम लोगों ने यूं किया था, ऑडिटर गलत समझा था। तो ऑडिटर जो कीचड़ उछाल के गया उसको साफ करना है डायरेक्टर रिपोर्ट, उसने अपनी नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटर, उसने अपनी रिपोर्ट में हमारे ऊपर कीचड़ उछाली, हम अपनी रिपोर्ट में उसको साफ करने की कोशिश करेंगे। तो जो ऑडिटर की रिजर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क्स थे, हम उसके ऊपर बात करेंगे कि वैसा नहीं था। देन ईपीएस बतानी है, अर्निंग पर शेयर। आपने सक्सेस ने तो उसका स्टैंडर्ड भी पढ़ लिया हो शायद। यस सर। ईपीएस अब कहां है, कौन से उसमें? आईएस 31 नहीं, मतलब वो तो मुझे बोला है एफआर1 में, एफआर2 में, क्योंकि ये बार-बार बदलता रहता है ना, समझ नहीं आती ईपीएस किस लेवल का टॉपिक है, कभी आर1 में डालते हैं, कभी आर2 में। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर, तो आप लोगों को तो नहीं पढ़ा होगा ये, तो अर्निंग पर शेयर क्या है, और अगर कोई लॉसेस वगैरह हुए हैं कंपनी को तो उनकी क्या रीजन है, यानी अगर कंपनी प्रॉफिट में हो तो बताएं पर शेयर कितनी अर्निंग हुई। एक तो होता है पर शेयर डिविडेंड, एक होता है पर शेयर अर्निंग। प्रॉफिट्स कितने हुए पर शेयर, डिविडेंड कितना हुआ, वो तो आपने पहले बता दिया था। और अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुए, लॉसेस हुए, तो फिर बताना लॉसेस क्यों हुए, लॉसेस की रीजन देनी है, और थोड़ा सा हौसला देना है मेंबर्स को कि घबराना नहीं है। ये वाला जुमला तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग बनाना है, ये बताना है कि हमारे शेयर होल्डिंग कितनी कितनी तरह की है। इसमें क्या करते हैं, आप कुछ कैटेगरीज बना देते हैं, आप कहते हैं ये हमारी कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स हैं, ये हमारी कंपनी के छोटे शेयर होल्डर्स हैं। आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप एक चार्ट सा बनाते हैं जिसमें लिखा होता है 0 से लेकर 100 तक शेयर हैं 27,000 लोगों के पास, 101 से लेकर 1,000 तक शेयर हैं 1,400 लोगों के पास, 1,001 से लेकर 1,00,000 तक शेयर हैं 13 लोगों के पास, 1,00,000 से 10,00,000 तक शेयर हैं 4 लोगों के पास, और 10,00,000 से ऊपर एक बंदे। बात समझ आ रही है, यानी कि आपने तमाम शेयर होल्डर्स को टेबल में डिवाइड कर दिया इस तरह से, जो उनको नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से टेबल में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं पैटर्न ऑफ शेयर होल्डर। हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि पेपर में हमें ये बनाना आता हो, सिर्फ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, रट्टा तो आप लोग मार लेंगे। तो पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग होता है जिसमें आपके अपनी शेयर होल्डिंग का पूरा एक बताते हैं कि ये इस तरह से। ये असल में कंपनी की अपनी मर्जी, क्योंकि किसी कंपनी के शेयर का बड़ा बहुत बड़ा होता है, तो शायद उनकी पहली रेंज ये हो कि 1 से लेकर 1,00,000 तक शेयर्स, क्योंकि उनके शेयर ही कई अरब में जाते हो, और कुछ छोटी कंपनियां हो तो हो सकता है वो 10,000 शेयर्स के अंदर ही अपनी सारा बना ले। तो इसमें एक पैटर्न तो प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन जो नंबरिंग आपने लिखनी है ना कहां से लेके कहां तक, वो कंपनी की मर्जी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देना है। फिर कंपनी की होल्डिंग कंपनी अगर मुल्क से बाहर है, तो फिर आप ये बताएंगे कि आपकी होल्डिंग कंपनी कौन से मुल्क में है, उसका भी आप इसमें बताएंगे। अगर आपने कोई लोन्स या इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको वो भी बताना पड़ेगा डायरेक्टर रिपोर्ट में। कंपनी के बिजनेस में कौन कौन से रिस्क हैं, कौन सी अनसर्टेनिटीज हैं, क्या क्या मसलों मसाइल हैं, और कंपनी ने अपने जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं वो एडिक्वेट रखे हैं या नहीं रखे, उन गलतियों से निपटने के लिए क्या कंपनी तैयार है, क्या कंपनी के पास अच्छे चेक एंड बैलेंसेज हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो वही बात है कि एक लिस्ट सी है जिसको आपको याद करना पड़ता है कि चीज़ें किस तरह से हैं। तो पहले ये 3 कॉन्ट्रैक्ट हर कंपनी में होंगे, फिर अगर पब्लिक भी हुई तो ये 3 और उसके साथ ये 2 स्पेस पे आए, और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ये रहे, 3 पीछे, तो तकरीबन 12 के करीब हो गए। इसमें भी फर्दर इस एक पॉइंट के अंदर जो है ना वो 2 पॉइंट्स हैं, ईपीएस बताएं और अगर लॉस हैं तो लॉस की रीज़न बताएं। इसी तरह से ये नीचे यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स इकट्ठे हैं, ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट एंड एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो आप इसे तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं, लेकिन इतना भी बहुत है। खुदा ना खास्ता अगर लिस्टेड कंपनी हुई
तो एडिशनल कंटेंट क्या होंगे? बिजनेस रिव्यू ऑफ लिस्टेड कंपनी, चार आप और इजाफी बातें बताएंगे, कंपनी के मेन ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कंपनी की डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। उन्हीं के ग्राफ चार्ट बने हुए होते हैं कि कंपनी पिछले पांच साल से ऐसे ग्रो कर रही है, कंपनी मार्केट इतना शेयर ले चुकी है, फलाना ऐसे हो गया, फलाना ऐसे हो गया, तो कंपनी के जो ट्रेंड्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। नंबर टू, कंपनी के बिजनेस ने एनवायरमेंट को कितना डैमेज किया, कंपनी के बिजनेस की वजह से एनवायरमेंट डैमेज तो नहीं हुई, आपने कुछ दरख्तों को तो नहीं काट दिया, आपने कहीं अपने एनवायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, आपकी फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं ने तो नहीं नुकसान पहुंचाया। तो अगेन आप बेसिकली बताते हैं कि एनवायरमेंट के ऊपर आपका क्या इम्पैक्ट है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था पहले कॉस्ट में, वो उन्होंने खत्म कर दिया, आप उसके बारे में बताएंगे। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इदारे की समाजी जिम्मेदारियाँ, क्या आपने इस इलाके में कोई स्कूल खोला, क्या आप अपने वर्कर्स के साथ बहुत अच्छा चलते हैं, क्या आप डिसेंट प्रॉफिट कमाते हैं, क्या आप अनएथिकल तो नहीं है, क्या आप अपने इर्द गिर्द की समाज सोसाइटी उसकी केयर करते हैं, ये सारी शशके मशके वाली बात है। तो लिस्टेड कंपनी ने सारी बातें कर दी, अब जरा शशके वाली बातें हो, क्या हम एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं, हमने कोई दरख्तों का कत्ल नहीं किया, हम तो कागज़ ही नहीं इस्तेमाल करते, हम तो ऑनलाइन करते हैं ट्रांजेक्शन ताकि कागज़ ही ना इस्तेमाल हो, हमारे तो डायरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हुए भी सोचते हैं कि पेट्रोल कंज्यूम होगा, पेट्रोल से धुआं निकलेगा, धुएं से एनवायरमेंट डैमेज होगी, हम लोग तो स्काइप के ऊपर मीटिंग कर लेते हैं, हम तो जूम के ऊपर मीटिंग कर लेते हैं, तो अक्सर आप देखेंगे तो ऐसी ही बातें लिखी होती हैं। तो ये चीज़ देन डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज बी स्पेसिफाइड, वो जो पीछे हमने कहा था वो वाली चीज़ यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है, और दफा डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। तो ये डायरेक्टर रिपोर्ट में लिस्टेड कंपनी में इजाफी बातें हैं। तो लिस्टेड कंपनी में ये चार, पीछे वाले नौ और उससे पीछे वाले तीन, अगर पब्लिक का सवाल आ जाए तो पीछे वाले नौ और उससे पीछे वाले तीन, और खाली प्राइवेट का आ जाए तो सबसे शुरू वाले तीन। और आपको जान के खुशी होगी क्या कि अपना सबसे ज्यादा दफा लिस्टेड कंपनी के कॉन्टेंट पूछा, यानी कि उन्होंने हमेशा रेडटेक को ज्यादा फोकस दी, और अब तो 15 से 20 नंबर का अगर एरिया है ये दो चैप्टर्स, तो फिर मेरे ख्याल में रेडटेक पे शर्माना भी नहीं चाहिए, इसको अच्छी तरह से याद करना है। साइन कौन करेगा, वही बात जो कि आपको पता है, बोर्ड अप्रूव करेगा और चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर, ये वही साइनिंग रिक्वायरमेंट है जो हम लोगों ने अकाउंट्स के ऊपर भी देखी है। ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या चीज है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस? कुछ कंपनियों को एससीसीपी ये कह सकता है कि आप डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ एक इजाफी स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। ये कौन बनाएगा? एससीसीपी बताएगा। इसमें क्या लिखा होगा? एससीसीपी इसका ऑडिट किस तरह से होगा? एससीसीपी बताएगा। तो ऑडिटर के जिम्मे होता है कि अगर कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है तो उसने उसका भी ऑडिट। तो बस ये वर्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है, इसके अंदर क्या है, किस तरह से होता है, वो हमें नहीं बताया गया। अगर कभी पेपर में आ जाए तो आप कहें एससीसीपी अगर हमें बता देगा तो हम आपको बता सकते हैं। कहते हैं कि एससीसीपी कैन प्रिस्क्राइब एनी फॉर्मेट फॉर स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। सर इधर लिस्टेड के केस में सीएफओ नहीं आएगा? नहीं, यहाँ पे वाली इजाफी बात नहीं है, सीएफओ के साइन करने वाली इजाफी बात नहीं है, सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर की बात। तो डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स यानी कि चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर 9 दोनों के दोनों इख्तिताम को पहुंचते हैं। इसका मतलब हम अपने सिलेबस के आखिरी जोन में दाखिल हो गए हैं। आखिरी जोन में हमारे तीन चैप्टर्स हैं। कौन से तीन चैप्टर्स? इन्वेस्टमेंट, प्रॉस्पेक्टस और मॉडिफिकेशन। ठीक है जी, तो फिर तैयार है कल से? फिर तो कल तो सवाल भी बड़े कम होंगे, जितने कम सवाल उतना आगे बढ़ने की चांस। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह यहीं से मिलते हैं अपना।